तो क्या आपको वाइब्रेटर का मतलब पता है? हेलो भाई, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को चरम सुख चौल हाउस की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है एक बंदे से जिसका नाम रौनित था, जो नौकरी के लिए मुंबई में इंटरव्यू के लिए आया था और तब तक के लिए अपनी मामी के यहाँ रुकने के लिए आया था। और ये है रेनू, मामी की बहू और रौनित की सगी नहीं पर भाभी लगती हैं। और भाभी को देखते ही इसका दिल उन पर आ जाता है। अब स्नेहल भी थोड़ी देर में कॉलेज से वापस आ गई थी। स्नेहल मामी की छोटी बेटी थी और मामा भी थोड़ी देर में घर पर आ गए थे। और ये लोग भी रौनित से मिलते हैं और मिलकर सभी खुश थे। अब स्नेहल नहाकर बाथरूम से निकलती है और फिर रौनित नहाने के लिए जाता है, जिसे देखकर भाभी के मुंह से लार टपक रही थी। अब स्नेहल आकर भाभी को बताती है कि बाथरूम के अंदर हम दोनों के ब्रा और पैंटी रखे हुए हैं। तो भाभी बोलती है अब तक तो उसे हमारे गोले के वजन का अंदाजा तो हो ही गया होगा। अब रौनित भी अंदर इन दोनों के ब्रा के साथ ही लगा हुआ था। अब बाद में भानु भैया भी घर आ गए थे और वो भी रौनित से मिलते हैं। अब रात को सब मिलकर खाना खाते हैं और थोड़ी बहुत बातें बातें करने के बाद सब सोने का बंदोबस्त करते हैं। और मामा रौनित को बताते हैं मुंबई के घर छोटे रहते हैं तो छोटी जगह पे ही हम एडजस्ट करके सो जाते हैं और प्राइवेसी के लिए बीच में पर्दा लगा देते हैं। अब सोने के टाइम भानु और रेनू भाभी उसी पर्दे के बीच जमकर सेक्स करते हैं, जिसकी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही थी। और रौनित को भी इनकी आवाज़ें आती हैं और ये सुनकर ही ये मजे लेता है। अब अगले दिन भानु और मामा काम पे चले जाते हैं और स्नेहल भी कॉलेज चली जाती है और रौनित भी इंटरव्यू पे जाने के लिए रेडी था। और जैसे ही भाभी इसे खाना देने आती है, ये तो अलग ही खो जाता है और कुछ भी इमेजिन करने लगता है। अभी इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ इसको वो काउंटर वाली लड़की में भी रेनू भाभी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से ये अंदर जाने में भी काफ़ी लेट हो गया था। अब अंदर जाने के बाद सर कुछ भी इससे पूछते थे, लेकिन ये तो अलग ही नशे में खोया हुआ था। इसे तो हर जगह बस भाभी ही नजर आ रही थी। अब इस वजह से उसको सर ने चिल्लाकर वापस भेज दिया। और यहाँ मामी रेनू भाभी को बोलती है कुछ लाज शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं, हम तो रोज रात को कान बंद कर लेते हैं लेकिन घर में मेहमान आया हुआ था वो तुम दोनों के बारे में क्या सोचेगा। तो भाभी बोलती है आपके ही बेटे की गलती है, हर रोज तीन तीन बार करते हैं, कभी कभी तो मुंह में भी। मामी बोलती है छी। बाद में स्नेहल भाभी को पूछती है कि आपको वाइब्रेटर के बारे में पता है, तो भाभी बोलती है नहीं। तो स्नेहल उन्हें कियारा वाला वीडियो दिखाती है और बोलती है इसका एक देसी जुगाड़ भी है, बैगन। भाभी बोलती है हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। अब रौनित वापस आ गया था और बोलता है आज इंटरव्यू नहीं हो पाया है, कल है। और उस समय घर पर कोई था भी नहीं। तो रौनित पीछे से भाभी का हाथ पकड़ लेता है और फिर उन्हें चूम लेता है और भाभी भी मान जाती है। और भानु भी घर आ रहा था और वो जस्ट पहुंच ही गया था। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है कि तब तक रौनित बाथरूम में जाकर छुप गया था। और आते ही ये भी रेनू के साथ शुरू हो जाता है। तभी अंदर से कुछ आवाज आती है तो रेनू बोलती है मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन आप तो रुक ही नहीं रहे थे। अब शाम को खाने में बैगन बना हुआ था तो मामी बोलती है बैगन तो भाभी को नहीं पसंद। तो स्नेहल बोलती है भाभी को इसके फायदे का पता चल गया है। अब रौनित भानु को बाहर ले जाकर उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला देता है। और जब भी उसे घर लेकर आता है तब तक सब सो गए थे और ये भानु को बाथरूम में ही सुला देता है और खुद भाभी के पास आकर जमकर सेक्स करता है और दोनों खूब इंजॉय करते हैं। अब अगले दिन बाहर स्नेहल रौनित को बोलती है कि मुझे पता है कि आपने रात को क्या किया, तुमने भाभी के साथ मजे किए। और वहीं हो जाता है एपिसोड खत्म, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन सबका एक ही सवाल रहेगा कि एडल्ट कंटेंट कहाँ है, लौड़ा का चरम सुख है। मतलब अब उल्लू भी अपने फैंस का काट रही है, हद हो गई भाई। थी पूरी कहानी बस टाइम पास से भरी थी, आपको देखते देखते ही बोर आ जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी।